अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं, साथ ही प्रदेश की सत्ता में वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं। 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा, उससे पहले अखिलेश यादव पार्टी को उस स्थिति में लाना चाहते हैं जो स्थिति पार्टी की 2012 के वक्त थी और पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के सामने वो चुनौतियां भी हैं जिनसे पार्टी को पार पाना ही होगा। अगर अखिलेश यादव ने इन चुनौतियों का सफाया नहीं किया तो आने वाले दिनों में सपा के सामने सत्ता में वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि अखिलेश यादव के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे उनसे पार पाया जा सकता है। 2017 में सत्ता से बेदखल हुई सपा के सामने तमाम चुनौतियां हैं। सपा लगातार 3 बड़े चुनावों में हार का सामना कर चुकी है। लगातार होती हार से पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ गया है। साथ ही शिवपाल सिंह की पार्टी सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सपा के लिए रामगोपाल जैसे नेता भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। अखिलेश यादव के एडवाइजर की एडवाइज भी खास काम नहीं कर पा रही। सपा नेताओं की सक्रियता जमीनी स्तर पर न के बराबर दिखाई देती है। सपा की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण दफ्तर में बैठकर राजनीति करना है। अखिलेश यादव का संपर्क जमीनी स्तर के नेताओं से कम हो पा रहा है। लखनऊ तक पहुंचने वाले चमचे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और बीजेपी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। बदायूं, बरेली, पीलीभीत, फिरोजाबाद तमाम जगह सपा में गुटबाजी हावी है। गुटबाजी की वजह से पार्टी का हर जगह बंटाधार हो रहा है। आजम खान की वजह से भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी के प्रोपेगेंडा भी सपा को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर अखिलेश यादव का विरोध भी घातक बन रहा है। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष का हर मुद्दे पर विरोध किया जाए। मौके की नजाकत के हिसाब से अखिलेश यादव फैसले नहीं ले पा रहे। अखिलेश यादव को कब विरोध करना चाहिए और कब नहीं, ये सीख मायावती से लेनी चाहिए। अखिलेश यादव को ठंडे पड़े कार्यकर्ताओं में जमीन पर उतर कर जोश भरना होगा। अखिलेश यादव को आवाम के मन में सपा की बेहतर छवि बनानी होगी। शिवपाल सिंह के खेमे में जाने वाले मतदाताओं को रोकना होगा। प्रोफेसर रामगोपाल जैसे एडवाइजर्स की एडवाइस पर अमल करने से पहले विचार करना होगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव के फॉर्मूले को अपनाना होगा। अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव से सियासी सलाह लेनी ही होगी। पार्टी में फैली गुटबाजी और नेताओं में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ खत्म करनी होगी। अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं को समझाना होगा कि सभी बेहतर हैं। दफ्तर की सियासत छोड़ गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों से मिलना होगा। शिवपाल सिंह यादव से छोटे छोटे गाँव जाकर और लोगों से मिलने की कला सीखनी होगी। गाड़ी में बैठकर हाथ हिलाकर लोगों से मिले बिना चले जाने की आदत अखिलेश यादव को छोड़नी होगी। उनको जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया तो पार्टी के लिए परेशानी का सबब ये चुनौतियां बनेंगी। ऐसे में अखिलेश यादव को कड़े और बड़े फैसले लेने ही होंगे, वरना मुख्यमंत्री बनने और सत्ता में वापसी का सपना सपना ही रह जाएगा। जितनी जल्दी अखिलेश यादव इन बातों को समझ लेंगे उनके लिए उतना ही फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।